Virtual University of Pakistan welcomes Mojo Pakistan, Mr. Gibran Ashraf, Ms. Nida Khan, Mr. Ayaz Khan, founder of Mojo Pakistan. ये एक स्पेशल कोर्स है जो हमने खास कर स्पेशली डिज़ाइन किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर. इस कोर्स में हमने कुछ ऐसे पार्ट्स शामिल किए हैं जो इस वक्त BBC के जर्नलिस्ट यूज़ कर रहे हैं. आफ्टर दिस कोर्स और बाय दिस कोर्स आप अपनी स्टोरी को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर सकेंगे. Nowadays, anyone with a smartphone can become a mobile journalist, and the giants like CNN, BBC, and many more, they have recognized its potential, and the reporters across the globe are doing Mojo. VU Television has taken the lead to sensitize the media and mass communication fraternity about the latest and emerging technologies, and this workshop is basically the initiative. This workshop is the initiation and one of the efforts that we as a department of a university are trying to do and trying to achieve and trying to sensitize all the stakeholders, first the media professionals, trainers, media practitioners, and especially the academic media fraternity. The Mojo Pakistan and VU Pakistan should come together and develop some certificate and diploma courses in this field. This mobility, I think, comes also responsibility. I'm Arfa from Sialkot, and I'm the fresh graduate of BS Honours Mass Communication from Virtual University of Pakistan. This Mojo workshop is really helpful for our journalists in the contemporary journalism. मैं नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस का स्टूडेंट हूँ. इस वर्कशॉप पे आकर मुझे मोबाइल एज अ गैजेट जो हम यूज़ करते आए हैं उसकी इफेक्टिवनेस का पता चला है. माई नेम इज़ ज़रिश एंड आई एम फ्राम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी. दिस वर्कशॉप इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दैट इज़ नॉट ओनली ट्रेनिंग एंड अ नेटवर्किंग सेशन विद द ट्रेनर्स बट ऑल्सो विद द स्टूडेंट्स फ्राम वेरियस यूनिवर्सिटीज. वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टूडियोज़, PCR, MCR, न्यूज़ रूम की फैसिलिटीज़ मौजूद है. हम लोग मोजो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम 3 दिन को यहाँ वर्कशॉप करा रहे थे. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. इट वाज वेरी फन टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पर आके हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ वगैरह देखी और ऑनेस्टली हम लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए. बेसिक टेक्निक्स को स्पेसिफिकली जो कंपोजिशन है, फ्रेमिंग है, उस हवाले से भी ख़ास तौर पर बच्चों को जो बताया गया, स्टूडेंट्स को बताया गया, पार्टिसिपेंट्स ने उसमें बड़ा इंटरेस्ट शो किया. My name is Rija Mad and I am from Comsys University Lahore campus. जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है मोजो जर्नलिज्म के ऊपर एक ट्रेनिंग देने का, इट्स वेरी गुड. My name is Ana Amir and I am from Lahore Garrison University and so far it's really good and I want to thank Virtual University. My name is Aisha Amjad and I am from Lahore College for Women University. Virtual University ने मोजो वर्कशॉप का ये जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए. I am here from Lahore Garrison University. I am here to learn things and they have provided lot of information about mobile journalism. टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है, पेस रखना बहुत ज़रूरी है. मोबाइल जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, मैं सड़क पे आ रहा हूँ, कोई इंसिडेंट हुआ, मैंने मोबाइल ऑन किया, वो किया, सिर्फ मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैंने इसको अपलोड कैसे करना है. और इससे पहले कि हमारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचे वो चीज़ें आ चुकी होती हैं. जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आना चाहिए कि वो है एथिक्स. हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या दिखाना है और हमने क्या बोलना है. वो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, और ट्रेनर्स का और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जो मैस कॉम से जिनका ताल्लुक है, उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए.